हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट जैसे ही आउट हो, आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया कि SBI क्लर्क मेंस लेवल की DA कहाँ से करें। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखने को मिल रहे थे कि सर SBI क्लर्क मेंस लेवल की DA क्वेश्चन करवा दो या भैया मेंस की क्वेश्चन करवा दो। तो आज के सेशन में आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे SBI क्लर्क मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन को, जिसमें किस तरीके से क्वेश्चन को डिकोड करना है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से डिकोड करोगे, आप क्वेश्चन कहाँ से पिक करोगे, बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और जिनका SBI क्लर्क मेंस नहीं भी है, आप अगले साल तो किसी ना किसी बैंक में बैठोगे ना, किसी ना किसी एग्जाम मेंस तो दोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अप्रोच सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ आज के जो सेशन में कंटेंट रखा गया वो स्पेशली गाइडली के बंडल PDF से रखा गया, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथ साथ। तो अगर आप में से कोई भी चाहते हैं, अगर आप पूरी सेशन देख लेना एक बार, अगर आपको उसके बाद लगे कि नहीं कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कंटेंट है, टू द पॉइंट कंटेंट है, तो आप इसको चाहो तो परचेज कर सकते हो। ये 1200 का कोर्स है, बट शायद से आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। कोड अगर लगा लोगे VB12VA वाला तो 10-12% को और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कोई इसके लिए मेरे को पेमेंट नहीं मिली प्रमोशन करने के लिए, बट मैंने कंटेंट यूज़ किया, मेरे को लगा है बेहतर कंटेंट है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार पूरी सेशन देख लो, अगर फिर आपको लगे कि नहीं मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे को भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपको अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग एग्जाम होगा, RRBPO होगा, RRB क्लर्क होगा, IUPS PO, IUPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, हर एग्जाम के लिए प्री प्लस मेंस प्री का अलग 50 डेज का टारगेट देंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा अलग अलग टॉपिक से। इसी तरीके से मेंस को करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट इसको मतलब बनाते हैं। कुछ बच्चों को फ्री में भी मिल जाते हैं किसी दोस्त से, नहीं तो बेहतर है कि आप सीधा सीधा पेमेंट करके परचेस कर सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। साथ साथ टेलीग्राम पे मैं आपके साथ क्वांट की फ्री मटेरियल आपको डेली का दे रहा हूँ, प्रयास सीरीज, आपको पता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से फ्री आपको प्रयास सीरीज मिल रही है, जिसमें डेली पे आपको नंबर सीरीज मिल रहा है, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आपको DI भी मिल रहे हैं प्रीलिम्स लेवल के, और अर्थमेटिक भी मिल रहा है। तो अभी वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है टेलीग्राम चैनल पे भी। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का, जिसमें आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना और एक प्यारा सा छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि कैसा लगा सेशन आपको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। तो जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि हर लेवल का क्वेश्चन, हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो किस लेट है और किस पैटर्न पे, एक बार पढ़ के देखते हैं। देयर आर फोर वर्क्स R1, R2, R3 एंड R4। वर्क R1, R2, R3 एंड R4 आर 120, 240, 150 एंड 180 यूनिट्स। मतलब टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन दिख रहा है और ये भी नज़र आ रहा है कि जो टोटल यूनिट है काम का, मतलब W1 के R1 कितने, R2 कितने, वो आपके पास मेंशनड है। ए अलोन कैन कंप्लीट द R1 इन 10 डेज। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ B to C इन R1 इज 2:1। अच्छा, मतलब एक के बारे में डेज भी दिए ना और आपको बता रहा है कि इफिशियंसी क्या है, ठीक है। सी कंप्लीट्स R1 इन एज मेनी डेज एज ही टेक्स टू कंप्लीट R4। सी उतने ही दिन में काम को करता है जितने R1 में करता है, उतना R4 के लिए सेम टाइम लेता है। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई C to D टू कंप्लीट R1 इज 4:5, ठीक है जी। B and C टेक द सेम नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट R2। रेशियो ऑफ इफिशियंसी टू C to D इज R2 इज 5:4। ए टेक्स 100% एंड 33.33% मोर डेज टू कंप्लीट R2 to R3। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा एक चार्ट, एक बार आप पहले अगर चाहो तो इसको पूरी की पूरी स्क्रीन पे रोक के पॉज करके देख के बना सकते हो, या फिर आप मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो जब मैं बना रहूँगा। तो अब इतने स्क्रीन में बनेगा नहीं, मैंने क्या किया इसको शॉर्ट कर लिया थोड़ा सा आगे, इसमें आ जाते हैं। होप सो पूरी की पूरी स्क्रीन भी दिख रही होगी आपको, पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे। क्या बोला, देर आर फोर वर्क्स R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है जी। यहाँ पे कर लेते हैं इसको R1, R2, R3 और R4 में कन्वर्ट करके पहले लिख लो। ये आपका R1, ये R2, ये R3, ये R4। पर्सन कौन कौन है, A का दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है और D दिख रहा है। E तो है नहीं वैसे, तो ABCD करके लिख लो पहले। A, B, C और D। यहाँ पे हमने क्या देखा कि डेज भी था और
आपको ये भी मेंशन कर रखा था कि एफिशिएंसी के बारे में भी बात हो रही थी, मतलब दोनों चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे एक काम करूँगा, बट उससे पहले यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे फिर कितना है ये, 120 यूनिट काम है टोटल, ये कितने है? 240, ये 150, और R4 कितने है आपका? 180 है। ए अलोन कैन कंप्लीट द R1 इन 10 डेज। देखो अगर ए 10 दिनों में कर लेगा इसको, ए मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेज है मैं उसको बीच में लिख रहा हूँ, और जो एफिशिएंसी हो रहा है मैं उसको कॉर्नर में लिखते हुए चले जा रहा हूँ, सो दैट के इजीली मिल जाएगा। देखो ए अगर 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट की हो जाएगी। 120 यूनिट काम कर रहा है 10 दिनों में, तो एक दिन की एफिशिएंसी 12 यूनिट, यहाँ पर लिख लिया। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी टू सी इन R1 इज 2:1, मतलब इसके बारे में बात हो रही है कि ये अगर 2x है तो ये x हो जाएगा। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी टू सी इन R1 इज 2:1। सी कंप्लीट्स R1 इन एज मेनी डेज एज इट टेक्स टू कंप्लीट R4, मतलब सी जितने दिनों में R1 को कंप्लीट करता है उतने ही दिनों में R4 को कंप्लीट कर रहा है, ये भी बोल रहा है। तो मैं आप यहाँ पे डेज को एक वैल्यू दे रहा हूँ, पी पी तो नहीं है ना कुछ पी, तो यहाँ पे इसको वाई बना देता हूँ। ये नंबर ऑफ डेज कितना है वाई, तो R4 भी कितने में कंप्लीट हो रहा होगा, वाई में ही कंप्लीट हो रहा होगा, क्योंकि मैंशन है सी कंप्लीट्स R1 इन एज मेनी डेज एज इट टेक्स टू कंप्लीट R4। और एक चीज़ बताओ, जैसे ही यहाँ पे इसकी इफिशियंसी वाई है, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ये मत गलती से कर देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि ईच वन हैव डिफरेंट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट वर्क, मतलब हर वर्क के लिए इफिशियंसी हमें अलग अलग लेनी है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे भी एक्स कर सकते हैं, काम अलग इफिशियंसी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट, रेशियो यहाँ तक हो गया था, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई सी टू डी टू कंप्लीट R1 इज 4:5, मतलब सी टू डी के बारे में बात हो रहा है। तो अगर मैं इसको 4y बना दूं, रेशियो ऑफ टाइम टेकन डेज ये, तो यह 5y हो जाएगा, क्योंकि मेरे को डेज चेंज नहीं करना पड़ेगा, और इसको भी 4y में ही कन्वर्ट रखो, 4y 5y का सिनेरियो यहां पे आ गया। बी एंड सी टेक द सेम नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट R2। बी एंड सी मतलब इसके बारे में और इसके बारे में रखा है, अगर ये जेड डेज लेगा तो ये भी जेड डेज में काम को कंप्लीट कर रहा होगा। रेशियो ऑफ इफिशियंसी टू इफिशियंसी ऑफ सी टू डी इन R2 इज 5:4। R2 मतलब सी और डी, मतलब ये अगर 5p होगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4p। ए टेक्स 133.33% मोर डेज टू कंप्लीट R2 देन इट टेक्स टू कंप्लीट R1 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। अब जरा इस लाइन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहे हैं, ए टेक्स 100%, ए के बारे में बात हो रहा है, ये 100% ज़्यादा ले रहे हैं किससे, 33% मोर डेज टू कंप्लीट R2 देन ही टेक्स टू कंप्लीट R1 एंड R3। ये बोल रहे हैं R2 के बारे में बात बोल रहा है कि ये R1 से 100% ज़्यादा दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो अगर 100% दिन में ज़्यादा काम में कंप्लीट करेगा, तो आर कर रहा है, R1 कर रहा है 10 दिनों में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 20 डेज में कंप्लीट करके जाएगा। और अगर R2 20 डेज में है और वो 33.33% ज़्यादा है किससे, R3 से, 33.33% का मतलब कितना होता है, 1/3, मतलब 1 से 3 ज़्यादा, तो 4/3, 4 के बराबर 20, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 15। और एक बात बताओ, जैसे ही ये 15 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ ये 20 की इफिशियंसी है, सॉरी 20 दिन में कर रहा है, 240 काम है, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 की। 15 दिन में कर रहा है, इफिशियंसी किसकी हो जाएगी, 10 की। यहां तक कंप्लीट है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय डी टू कंप्लीट R2, डी के बारे में बोल रहा है, R2 टू R3 इज 2:5। R2 और R3 का रेशियो कितना बता रहा है, 2:5। तो अब यहां पे क्या मान लो, 2Q और 5Q में ये है, नंबर ऑफ डेज के बारे में बात हो रहा है। डी टेक्स 50% मोर डेज टू कंप्लीट R1 देन ए, R1 देन ए। अब देख लो, R1 डी का ये है ना, तो इससे अगर 50% ज्यादा तो 5 ज्यादा, तो 10 से अगर 5 ज्यादा तो ये 15, और 5y के बराबर अगर 15 है तो y के बराबर 3। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको इरेज करूं, 5y के बराबर 15, 4y के बराबर 12 आ जाएगा, और इसको भी इरेज कर लेता हूं क्योंकि ये भी हुआ है। तो ये मेरा कितना निकल के आ गया,
ये निकल के आ गया 12, ये निकल के आ गया 15, और ये निकल के आ गया 15, सॉरी 12। अब एक बात बताओ, जैसे ही ये 12-15 का गेम आया ना, कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो रही। क्या सर, अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 12 का 10, ये यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे 10 कर देता हूँ मैं, और अगर ये 10 है तो ये 2x था, तो ये मतलब 20 यूनिट इसकी इफिशियंसी है। तो 10 20, तो 20 की इफिशियंसी से 120 यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। यहाँ पे 15, मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी है? 8 यूनिट की इफिशियंसी है एज ऑफ नो। इससे आगे कुछ देखो एक्स वाई जेड में कुछ नहीं है, जेड का बचा हुआ है, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक हो गया था 50% मोर R1 देन A2 कंप्लीट द सेम वर्क। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई A2 कंप्लीट R1 टू R4 इज 5:9। अगर R1 5 यूनिट है तो R4 9 यूनिट होगा, तो 5 के बराबर अगर 10 है तो 9 के बराबर कितना? 18। मतलब ये काम करेगा 18 दिनों में। इफिशियंसी कितनी? 10 से। शानदार, ये वाला काम भी कंप्लीट। डी टेक्स 50 फ्यूअर डेज टू कंप्लीट R2 देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए। ए ने जितने दिनों में किया है उससे 50% कम दिनों में कौन कर रहा है? डी कर रहा है। कौन से काम को? आर को। मतलब ये कितने टाइम में कर लेगा? 10 दिन में करेगा। और ये 2Q है तो ये 10, एक सेकेंड, डी टेक्स 50% फ्यूअर डेज टू कंप्लीट R2 देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए टू कंप्लीट द। अच्छा ठीक है, इससे 50 मतलब 2Q के बराबर, अगर 10 है तो Q के बराबर मेरे को यहाँ से क्या मिल रहा है? 5। ठीक है जी, तो Q के बराबर 5 रखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और देखो यहाँ से भी मेरे को निकालने की जरूरत पड़ेगी तो, बट अभी एक बार लिख लो पहले। Q के बराबर 5 था तो ये कितना था? 10, और ये कितना हो जाएगा? 25। अब एक बात बताओ, 10 की इफिशियंसी से करोगे तो ये वैल्यू कितनी है? 24। तो P के बराबर अब कितना मिल गया? 6। तो P के बराबर 6 आ गया, तो इसको भी एक सेकेंड, P के बराबर 6 लिख लिया, इसको रब कर लेते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा? P के बराबर 6, तो ये 4 था, मतलब ये 24 है, और ये 5 था, तो मतलब ये 30 हो जाएगा, और जैसे ही ये 30 होगा तो ये 8 और ये भी 8, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तीस की इफिशियंसी से 240 यूनिट काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? 8 दिन लगेगा क्या? तो ये मतलब ये भी आपकी वैल्यू 8 बन जाएगी, क्योंकि ये और ये बराबर था, तो ये 8 और ये भी 8, और इसकी भी इफिशियंसी 30 का हो जाएगा। यहां तक का बात कंप्लीट है। डी टेक्स 66.66% मोर डेज टू कंप्लीट R4 देन द टाइम टेकन बाई C टू कंप्लीट द सेम डेज। देखो 66.23 मतलब कितना? 2/3 होता है। मतलब अगर ये वैल्यू 2/3 कहने का मतलब कितना है कि अगर ये 3 है तो ये 5 बनेगा, 3 से 2 ज़्यादा 5, तो 3 के बराबर अगर 12 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो अगर ये 20 है तो इसकी इफिशियंसी 9, ये 12 है तो इसकी इफिशियंसी 15। यहाँ तक भी सॉल्व है। ए टेक्स डबल द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट R4 देन बी टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। ए टेक्स डबल द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट R4। ए क्या कर रहा है? डबल टाइम ले रहा है किससे? बी से, सेम काम को। तो अगर ये 18 में कर रहा है तो ये 9 दिनों में करके चला जाएगा। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपकी? 20। मतलब ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, बस ये बचा हुआ है। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ए टू बी इन R3 इज 2:3। इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है, तो 2 के बराबर अगर 10 है तो 3 के बराबर 15, तो ये 15 और ये 10 दिनों में काम को करके जाएगा फिर, क्योंकि 150 यूनिट काम है, 15 दिन में कर रहे हैं, तो 15 इफिशियंसी से 10 दिन में कर लेगा। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी टू कंप्लीट R1, बी टू कंप्लीट R1 इज द सेम नंबर ऑफ डेज टू सी टू कंप्लीट द R3। मतलब ये अगर 6 दिन में कर रहा है तो ये भी 6 दिन में कर रहा है, और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 25 की। 25 का 6 गुना 150, और ये 25 दिनों में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 6 की हो जाएगी। देखो पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट करते करते हमारा एक चार्ट बन के तैयार हो गया, जो कि हमारा ये है। देखो इसकी इफिशियंसी, इसका नंबर ऑफ डेज 10, 6, 12, 15, इफिशियंसी यहाँ पे, डेज यहाँ पे, इफिशियंसी यहाँ पे, डेज यहाँ पे, इफिशियंसी यहाँ पे, डेज यहाँ पे, और इफिशियंसी यहाँ पे। तो अब इतना सॉल्व करने के बाद एक बार क्वेश्चन भी देख ही लेते कि क्या क्या बोल रहे हैं हमसे। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन R1, सी एंड डी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन R2।
ए और बी ने R1 को करना स्टार्ट किया और सी और डी ने R2 को करना स्टार्ट किया। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी इन R1 एंड सी वॉज रिप्लेस्ड बाई बी इन R2। ठीक है, मतलब बी सी में चला गया, ए में चला गया और ये दूसरे काम में चला गया। फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन R1 एंड R2। सबसे पहले देखो R1 हमारे पास कितना है और R2 कितना, ये लिखना जरूरी है। R1 शायद 120 और 240 है ना, ये टोटल काम हमारे पास 120 है और ये कितना है 240 है। जब R1 काम कर रहा था तो A और B कर रहा था और A और B की इफिशियंसी कितनी है, A की 12 यूनिट B की 20 यूनिट, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलके 32 यूनिट काम करने एक दिनों में, लेकिन काम कितने दिन किया है बता रखा है कि 2 दिन, तो यहाँ पे इन्होंने 64 यूनिट काम कर लिया। बचा काम कितना है, 120 माइनस 64 दैट मीन्स 56 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क है। जब सी और डी R2 कर रहे थे तो सी और डी का देखो 30 और 24, मतलब 54 की एफिशिएंसी से काम कर रहे थे एक दिन में, तो 54 × 2 मतलब इन्होंने 108 यूनिट काम किया। कितना काम अभी भी बचा हुआ है, 132 यूनिट आपका काम बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2 दिन काम करने के बाद बी चला गया किसमें, R2 में, और सी आ गया किसमें, R1 में। तो देखो अब R1 को कौन करेगा, ए प्लस सी करेगा R1 को, और R2 को कौन करेगा, बी प्लस डी अब नेक्स्ट कर रहा होगा। लिखा है ना कि बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी इन R1, सी वॉज रिप्लेस्ड बाई बी इन R2। देखो ए और सी की इफिशियंसी R1 में कितनी हो जाएगी, यहां से 12 और यहां से 10, मतलब 22 यूनिट से काम करेंगे, तो 56 डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा। बचा हुआ काम इतने ही दिनों में कंप्लीट होगा क्योंकि ए और सी की इफिशियंसी कितनी आपके पास है, 22 है, और बी और डी की इफिशियंसी कितनी है, बी और डी की इफिशियंसी सेम रह जाएगी, क्यों, क्योंकि बी और सी की इफिशियंसी सेम थी R2 में, तो 54 ही रहेगी। तो भैया ये जो 132 यूनिट काम है ये कितने दिनों में होगा, इतने दिनों में हो पाएगा, 54 बाई 130। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 22 का 2 गुना 44, 12 बच रहा है, 22 का 10 गुना, या फिर एक काम करो इसको शॉर्ट करके लिख लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये 28 है और ये 11 है, तो 11 × 2 = 22, 6 बच गया, 11 × 5 = 55, 5 बच गया, और 11 × 4 = 54, यही आ रहा है, 2 डिजिट तक देखते हैं। 11 × 2 = 22, 6 बच गया, तो 11 का 5 गुना 55, 5 बच गया, 11 का 4 गुना 44। इसको भी सॉल्व करके देख लो कहाँ से कट कर सकते हो, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 से 27, 3 से उड़ा देते ना, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 का 9 गुना, तो देखो अब तो कटेगा नहीं, 9 × 2 = 18, 4 बच रहे, 9 का 4 गुना 36, 4 बच रहे, मतलब 4 गुना, तो बचे हुए काम करने में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 2.54 ले रहा है, ये 2.44 ले रहा है, तो 0.10 डेज बचे हुए हैं पूरे टोटल। आ रही बात समझ में, यहां तक क्लियर है सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग इन R3। After completing 1/3 of the work, they left the work and C joined the work. A और B ने R3 start किया, एक तिहाई काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और C joined हो गया. C worked for 2 days, then D joined him and finished the rest of the work. C ने भी अकेले 2 दिन काम किया और उसके बाद C के साथ कौन जुड़ गया, D. Find the number of days taken to complete the whole work. सबसे पहले देखो R3 है, अब मेरे को दिख रहा है ABCD है, मतलब सबका ही efficiency मेरे को लिख लेना पड़ेगा, A, B, C और D, देख लेते कितनी कितनी इफिशियंसी है R3 में, 10, 15, 25, 6, 10, ये इफिशियंसी लिख रहा हूँ मैं, 15, 25 और 6, R3 में टोटल काम कितना है, 150 का है, यही है ना, हाँ जी। अब देख लो क्या बोल रहा है, A और B ने काम शुरू किया और 1/3 काम, मतलब 50 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर किया है, 50 यूनिट काम, इफिशियंसी कितनी है, 15 और 10 25 की, तो कितना टाइम लगा होगा, 2 दिन, जब 150 में से 50 यूनिट काम बच गया तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, 100 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। इसको क्या बोल रहा है कि सी ने अगले 2 दिन काम किया अकेले, तो सी जब अगले 2 दिन तक काम करेगा 25 की इफिशियंसी से तो 50 यूनिट का काम हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 50 यूनिट काम, तो 2 दिन का काम पहले हो चुका है, 2 दिन अभी हो चुका है, अब कितना बच गया,
अब जब सी और डी काम करेगा 50 यूनिट के, तो 31 की इफिशियंसी से, तो 31 1 जा 31, 9 बच गया 0, तो 31 का 6 गुना होता है 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब 186, फिर डेसिमल जाएगा, तो दो दिन यहाँ पे 4 दिन, और 1.6 डेज यहाँ पे, मतलब टोटल कितना टाइम लग गया, 5.6। आगे जाके चेक करोगे तो 6-1 भी आपको मिल जाएगा, दो डिजिट तक चेक करेंगे तो। बाकी जैसे ही मैंने देखा 2-2-4 हो रहा था और 1-5 कंप्लीट हो रहा था, तो आपके पास ऑप्शन अलग अलग नहीं आ रहे थे फिर, देख रहे हो, 2-2-4 तो आ रहा है प्लस ऑप्शन जो अलग वाला आ रहा था, तो 5 के बाद एक ही ऑप्शन था, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे टिक कर सकते थे, कंप्लीट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं लग पा रही थी। ठीक है, देखो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करके बोलता हूँ, जब तक आप डेटा डिकोड करना नहीं सीखोगे, आप क्वेश्चन, और मेंस में एक प्रॉब्लम और क्या होती है ना कि लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको चीज़ों को पढ़ के समझना होगा और माइंड में उसको थोड़ी देर के लिए फ्रेम करके रखना होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 9000 एलोकेटेड फॉर द वर्क आर फोर के लिए कितना हज़ार, 9000 एलोकेट हो रहा है, ए बी सी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द आर फोर, मतलब ए बी और सी ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी, अमाउंट रिसिव्ड बाई इन्वेस्ट इन अ स्कीम 6 मंथ्स, ए को जितना मिला उसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया 6% सिंपल इंटरेस्ट, तो भैया एनुअल है मतलब 3% का इंटरेस्ट मिला होगा इसको, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसिव्ड बाई हिम। ठीक है, तो देखो टोटल कितना था, पहले तो आर फोर है ना, तो आर फोर में टोटल काम कितना है और एबीसी की एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, तो 10 12 20 10 30 और 15 45, टोटल काम 180, 10 20 15 का है ना, तो देखो ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की कितनी है 20 है, और सी की कितनी है 15 है ना, तो जब इन्होंने 180 यूनिट काम मिलके किया, तो 20 10 30 और 15 45, तो 180 यूनिट काम किया 45 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिनों में कंप्लीट हो गया, 4 दिन में, मतलब ए ने कितना काम किया 40 यूनिट, बी ने कितना काम किया 20 का 4 गुना 80 यूनिट, और इसने कितना किया 60 यूनिट, तो 80 60 140, मतलब 40 80। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसको कितना पैसा मिलना चाहिए, तो देखो इसको कितना पैसा मिलना चाहिए, 40 अपॉन 180, किसका 9000 का, तो 40 अपॉन 180, ये किसका शेयर है, ए का, कितने में से 9000 में से, तो 180 का 5 गुना होता ये है ना, तो देख लो 50 गुना 180 का 5 गुना 950 गुना, मतलब ये ए का शेयर कितना रुपीज़ होगा, 2000 रुपये का ए का शेयर होगा, और कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% एनुअल है सिंपल इंटरेस्ट, तो हाफ ईयरली में कितना मिलेगा 3% का, तो इसका अगर मैं 3% कैलकुलेट कर दूं, तो बता दोगे कि 60 रुपये मिल जाएगा भैया, क्लियर है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर सेशन पसंद आ रहा हो ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि कंप्लीट सेशन आपका मैराथन वाला चल रहा है, आपको देखना है, और इससे बाहर के अगर आप इन जितने भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अलग से डीए के लिए कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली फॉर क्लर्क एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देख लो, ऑल ऑफ देम वर्क इन आर टू इन एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट स्टार्टिंग विद ए बी सी एंड डी, आफ्टर 8 डेज हाउ मच परसेंट ऑफ वर्क इज लेफ्ट। सबसे पहले देखो आर टू मुझे पता है कितना है, 240 यूनिट की काम एफिशिएंसी है इसकी, है ना, तो ए बी सी डी का एफिशिएंसी पता करना जरूरी, फिर से ए बी सी डी, और आप जब एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे या फिर आप मॉक टेस्ट में करोगे, तो आपके पास पेपर पे लिखी हुई सारी चीज़ें, तो इतना बार बैक नहीं करना पड़ेगा, 12 30 30 24 एफिशिएंसी ले लेता हूँ बस मैं, 12 30 30 24 था ना, 12 30 30 24, ए का कितना था 12, इसका कितना था 30, इसका कितना था 30, और ये कितना है 24। एक बात देख लो, अगर ये चारों ऑल्टरनेट पे कर रहे हैं, मतलब पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, तो जरा काउंट काउंट करके देख ले, तो 60 प्लस का 24 84 प्लस का 12 96, ये 96 यूनिट काम कितने दिनों में हो रहा है, 4 डेज में हो रहा है, तो अगर मुझे 8 डेज का निकालना है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इसका डबल हो जाएगा 192, तो 240 में से 192 काम तो हो चुका होगा, बचेगा कितना 48 यूनिट काम बचेगा, 8 इधर 40 इधर, तो 48 काम बचा हुआ है कितने में से, 240 में से, और क्वेश्चन ने पूछा ये कितना परसेंट है, तो 1/5 कितना है 5 है, और 1/5 कितना परसेंट होता है 20%, दैट मीन्स 20% काम अभी भी उस
आर टू का बचा होगा, क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन बाय ए बी सी एंड डी टू कंप्लीट आर वन एंड आर थ्री। तो पहले देख लो भैया, आर वन टोटल मुझे पता है कितना, 120 है, ये आर वन है। आर थ्री कितना है, 150 है। इफिशियंसी से डिवाइड करके नेगेटिव, मतलब जो भी वैल्यू बनेगा मुझे वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ए आर वन में जरा चेक कर लो इफिशियंसी, 12 और 8 20, 20 40 10 50, यहाँ पे तो सीधा सीधा 50 वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स इसको मुझे 50 से डिवाइड करना है आर वन वाले को, और आर फोर वाले को जरा चेक कर, कौन सा आर फोर था या आर थ्री था, आर थ्री 25 15 40 10 50 और 6 56, 56 से डिवाइड करना है। इसको 56 से कर लो। इसके लिए तो बड़ा ही आसान है ना, 50 का 2 गुना 100, 20 बच गया, तो 2.8 यहाँ से मिल रहा है मुझे। इसको कैलकुलेट कर लेते जरा, 56 है तो 28 से डिवाइड कर दो और ये कितना है, 75 आ जाएगा। देखो 28 दुनी 56, बच कितना गया आपके पास, 19, एक डेसिमल लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो 28 का कितना गुना लूंगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, नहीं नहीं 8 अट्ठे 40, 9 16 17, 9 अट्ठे 72, 6 अट्ठे 48 18। देखो 2.6 समथिंग आ रहा है, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 4 16, 7 अट्ठे 56, 7 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2.6 समथिंग आ रहा है और ये 2.8 समथिंग आ रहा है, तो 0.2 एग्जैक्टली कुछ आपका आंसर बन रहा होगा, ठीक है? दो डिजिट में चेक करोगे तो शायद और कुछ डिफरेंस मिलेगा, 27 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ेंगे, ये तो सेम रहेगा और ये कुछ बढ़ने का ऐसा दिख नहीं रहा। 56 से अगर मैं करता हूँ तो देखो 28 दूनी 56, 2 75, 28 दूनी 56, 28 का 3 गुना 84 होता है, जो कि 9 ज़्यादा, 1.33 कम हो जाएगा, तो 0.27 के आसपास, 26 के आसपास आपका आंसर लाई कर रहा होगा, ठीक है? देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। इसमें तो यहाँ तक तो पहले बता दूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश एंड हिंदी फ्रॉम 5 सिटीज पी क्यू आर एस एंड टी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न इंग्लिश एंड हिंदी एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु लर्न इंग्लिश एंड हिंदी फ्रॉम ईच सिटी इज गिवन इन द टेबल। मतलब हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें मैंशनड है, पी क्यू आर एस टी सिटीज़ है, यहाँ पर टोटल इंग्लिश वाले बच्चे ए प्लस 200, ये सी प्लस डी, ये बी माइनस 20, ये डी माइनस 80, 40 प्लस सी, हिंदी वाले बच्चे ए प्लस 30, बी माइनस सी, डी प्लस 20, 160, बी प्लस डी, और ये रेशियो गिवन है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, फिर से यहाँ पे एक पॉज कर सकते हो वीडियो को, आप पूरा को पूरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, पूरा टेबल कंप्लीट होना चाहिए। देन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको साथ साथ बनाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख लो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हु लर्न, पहले देखो कि कुछ ऐसा डेटा है जो डायरेक्ट डिकोड हो सकता है, तो यहाँ पे 160 है और ये 5-3 में कट रहा है, तो 8 के बराबर 160, तो 1 के बराबर 20, मतलब ये वैल्यू कितनी है 60, ये वैल्यू कितना निकल के आएगा 100 मेरा, तो ये ना, अरे अरे यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये डी माइनस 20 है, तो यहाँ पे भी एक चीज़ देख लेना, ये गलती से है, मतलब यहाँ पे माइनस का 20 है भाई, सिर्फ 20 और यहाँ पे 80 है, 800 मत कंसिडर कर लेना। नंबर ऑफ गर्ल्स हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी पी इज 100, सिटी पी से इंग्लिश पढ़ने वाले लड़कियाँ कितनी 100, मतलब अगर 2 के बराबर 100 हैं तो 1 के बराबर 50, 5 के बराबर कितना हो जाएगी 250, तो टोटल 250 प्लस का 100, यहाँ पे टोटल कितना मिलके मेरे को मिलेगा 350। और अगर a प्लस 200 350 के बराबर है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है 150 है, और अगर a की 150 है तो 150 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 180, जो कि 5 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 9 के बराबर 180, 1 के बराबर 20, मतलब यहाँ से मेरे पास 100 बॉयज़ है और 80 गर्ल्स है, क्लियर है? नेक्स्ट पकड़ लो, नंबर ऑफ बॉयज हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी टी इज 40, सिटी टी से इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे लड़के कितने 40, मतलब ये 40 1 यूनिट के बराबर, अगर 40 है तो 3 यूनिट के बराबर 120, टोटल कितना हो जाएगा ये 160, और अगर ये 160 है तो सी के बराबर मेरे को क्या मिल गया 120, हाँ है ना, यहाँ से ये भी मिल गया, ठीक है जी। अब देखो सी कहीं पे और यूज़ कर सकते हैं अपन, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट दो वेरिएबल से, यहाँ पे भी दूसरा वेरिएबल चाहिए होगा,
तो एज ऑफ नाउ सी अभी नहीं बनेगा. नंबर ऑफ बॉयज हु लर्न हिंदी फ्रॉम सिटी क्यू इज 25. हिंदी पढ़ने वाले बच्चे 25 है सिटी क्यू में, मतलब यहाँ पे अगर 1 यूनिट के बराबर 25 तो 3 यूनिट के बराबर 75, दोनों मिलके बना देंगे कितना 100. अब देखो ये दोनों मिलके 100 है, लेकिन मुझे पता है कि b माइनस सी के बराबर 100 है और c 120 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि b के बराबर यहाँ से 220 मेरे को मिल जाएगा. b माइनस 220 इक्वल टू अगर 100 है, 120 इक्वल टू 100 है, तो b के बराबर 220. अब अगर देखो b के बराबर 220 आ रहा है तो क्या ये वैल्यू मिल जाएगी 200 है, क्योंकि b माइनस 20 करना है. और जैसे ही ये वैल्यू 200 मिल गई, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8 के बराबर 200, 1 के बराबर 25, 3 यूनिट के बराबर 75 और 5 यूनिट के बराबर 125. सी और बी में देख लो, मतलब बी तो यहाँ पे है बट यहाँ पे डी भी चाहिए होगा. बी माइनस सी कैलकुलेट हो गया, सी है बट डी चाहिए होगा. तो लास्ट वाला भी पढ़ लेते एक बार. नंबर ऑफ गर्ल्स हु लर्न हिंदी फ्रॉम सिटी टी इज 150. सिटी टी से हिंदी पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितनी, 150, मतलब 3 के बराबर अगर 150 है तो 1 के बराबर 50, 5 के बराबर 250. अब देख लो ये 250 प्लस का 150 मिलके 400 हो रहा है, जिसमें से मुझे पता क्या है कि b के बराबर कितनी वैल्यू है, 220. तो अगर b 220 है तो क्या d 180 बनेगा आपका. b अगर 220 है तो d 180 बनेगा ना, 220 प्लस का 80 300 प्लस का 100 400. तो अब क्या मिल रहा है, c प्लस d कैलकुलेट करना है. 120 प्लस का 80 कितना हो रहा है, 300, मतलब ये 300 है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2:1 में, मतलब 200 और 100 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये. d प्लस 20 पूछ रहा है, मतलब 180 प्लस का 20 पूछ रहा है 200, 3:1 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मतलब ये 150 और ये 50. d माइनस 80 100 बन जाएगा क्या, 180 माइनस का 100, 3:2 में 5 के बराबर 100, 1 के बराबर 20, मतलब यहां से 60, यहां से 40. तो अब ऐसा तो कोई टर्म बचा नहीं है जो आपको नहीं कैलकुलेट हुए, मतलब ये डीए डूएबल था और बहुत आसानी से कर सकते थे आप. तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सारा का सारा आपको कंडीशनल डीए ही मिलेगा, कुछ इजी लेवल के डीए भी मिलते हैं क्लरिकल लेवल में. देख लो जरा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी आर एंड एस टुगेदर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु लर्न हिंदी फ्रॉम पी एंड टी, मतलब आर और एस के इंग्लिश वाले लड़के. तो R और S के इंग्लिश वाले लड़के, देखो R इंग्लिश कितने, 27 और 60, 87. और P और T में हिंदी पढ़ने वाली लड़कियां, तो P और T 150 प्लस का 80 230. फाइंड द डिफरेंस नंबर ऑफ बॉयज हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी आर एंड एस टुगेदर. आर और एस टुगेदर का ही इंग्लिश लिया ना, आर इंग्लिश 27 है, अरे 25 होगा ना, 25 प्लस का एस 60, 85 है केवल, ये 85 है. तो कुछ तो आंसर में देख लेते हैं, शायद से ऑप्शन का कुछ गेम उल्टा लिख लिया होगा. वैसे तो मिल रहे 85 15 और फिर 130, मतलब 145 का डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं. अदर क्वेश्चन देख लेते फिर डेटा पता चल जाएगा. एवरेज एज ऑफ द बॉय हु लर्न इंग्लिश इन सिटी क्यू इज 15 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स हु लर्न हिंदी इन द सेम सिटी इज 17 ईयर्स. फाइंड द डिफरेंस इन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु लर्न इंग्लिश एंड ऑल द स्टूडेंट हु लर्न हिंदी इन सिटी क्यू. If the average age of all boys who learn English and Hindi is 16 and average age of all the girls who learn English and Hindi is 15. अच्छा पहले देखो सिटी क्यू है ना, इंग्लिश 200 और 25 75, 200 और 100 मतलब बॉयज और गर्ल्स है और 25 और 75 बॉयज और गर्ल्स है. यहां पे क्या बता रखा है, हु ऑल द स्टूडेंट हु लर्न इंग्लिश
एंड ऑल द स्टूडेंट लर्न हिंदी सिटी क्यू इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज हु लर्न इंग्लिश एंड हिंदी इज 16, मतलब 200 प्लस का 25 करोगे, 200 प्लस का 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, मतलब 225 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। प्लस 200 को आपको पता है कि एवरेज एज ऑफ बॉयज हु लर्न इंग्लिश इन सिटी क्यू 15, मतलब इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे जो डिफरेंस कैलकुलेट होगा वो क्या निकल जाएगा, हिंदी पढ़ने वाले लड़कों की संख्या यहां पे कैलकुलेट, मतलब एवरेज या सम कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहां पे हिंदी पढ़ने वाले बॉयज की वैल्यू आ जाएगी इसको कैलकुलेट करने से। आगे क्या बोल रहे हैं कि एवरेज एज ऑफ हिंदी लड़कियां, मतलब इसकी कितना है 75 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 से, साथ साथ एवरेज एज ऑफ ऑल गर्ल्स हु लर्न इंग्लिश एंड हिंदी इज 15, मतलब 175 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 15 से। तो यहां से जो डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा होगा वो आपको बॉयज सॉरी गर्ल्स हिंदी आ जाएंगे, इंग्लिश गर्ल्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व करना है आप, कैलकुलेशन तो कर लोगे, इसको करोगे तो 3000, इसको करोगे तो 16 का 200 गुना 32 गुना और 25 मतलब 3600, 16 पंचे 80, 16 दून 32, 8 40, 32 और 4 36, 16 पंचे 80, 8, 16 दून 32 और 8 40, 4, 16 दून 32 और 4 36, ये 3600 और ये 6, मतलब यहाँ से कितनी आ रही है 600 का डिफरेंस आ रहा है, और 600 का डिफरेंस कितने लोगों में 25 लोगों में, तो मतलब डिफरेंस कितने का है 12 का, एक का एवरेज कितना निकल रहा है 25 का सॉरी 24 का, तो एक का आ रहा है 24 इधर से, और फिर इसको कैलकुलेट कर लोगे तो देखो 75 का 17 पीछे 85, 8 17 सते 17 का 6 गुना 17 सते 119 और 8 127 ये मिल रहा है, 175 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 पीछे 75 7 15 सते 105 प्लस का 7 12 112, 15 कम 15 प्लस 11 26, इन दोनों को ऐड करके फिर डिफरेंस करके वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उम्मीद है कैलकुलेशन वाला पार्ट आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, इफ एच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच इक्वल्स टू क्या है 55% ऑफ डी, अभी निकाला था सर डी की वैल्यू कितनी आपकी थी, डी कितना था 180, मतलब 180 की वैल्यू यहां पे डी की जगह पे 180 रखना है, बी की जगह पे कितना रखना है 220, बी की जगह पे कितना रखना है 220, ए की जगह पे कितना रखना है 150 और सी की जगह पे 120, मतलब यहां पे 150 माइनस यहां पे कितना 120% ऑफ 40, मतलब ये 48 मिल जाएगा आपको, तो 150 माइनस 48 और एक सेकेंड ये 33.33% कहने का मतलब कितना है, इसका अगर आप आधा करोगे तो देखो ये 6.66 होता है इसका आधा, मतलब 2/3 है, तो मतलब ये 4/3 की वैल्यू आपको गिवन है, 13/32 है ना, अगर मैं 6.66 को देखूं तो आप क्या निकालते हो, ये 6.66 का डबल है, 2 × 12, 2 × 12 = 13, 2 × 12 = 13, तो 6.66 होता है आपका, 6 × 2/3 6 × 18 = 20, 1/1/15 होता है, तो ये 2/15 है, तो 2/15 मतलब 15 का 10 गुना 50 और ये 20, तो यहाँ से ये निकल जाएगा 45%, मतलब 1/9 करना है, 1/11 करना है, तो यहाँ से 5/11 20 और 500 यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये 55.55 है, मतलब 1/9 करना पड़ेगा क्योंकि 11 पॉइंट ये, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 × 9 = 100 यहाँ से भी मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी को आप। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु लर्न हिंदी फ्रॉम सिटी आर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी आर, तो सिटी आर का हिंदी और सिटी टी का इंग्लिश चेक कर लो डिफरेंस, सिटी आर का हिंदी देखो कितना 100 का डिफरेंस है और सिटी टी का इंग्लिश चेक करो कितने का 80 का डिफरेंस है, मतलब पहला वाला जो आपका था वो बिल्कुल ही सही नहीं था, गलत था। नंबर ऑफ बॉयज हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न हिंदी फ्रॉम सिटी आर, नंबर ऑफ बॉयज हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी क्यू, इंग्लिश सिटी क्यू का बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न हिंदी फ्रॉम सिटी आर, सिटी आर के टोटल का, तो क्यू का इंग्लिश में बॉयज और आर का हिंदी में, मतलब
टोटल मतलब 150 और 150 200, सॉरी 150 और 50 200 बराबर है, मतलब सेकेंड वाला सही है। 120% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी एस इज इक्वल टू 48% ऑफ द बॉयज़ हु लर्न हिंदी फ्रॉम सिटी आर। तो इंग्लिश फ्रॉम सिटी एस देख लो और हिंदी फ्रॉम सिटी आर देखो, इंग्लिश फ्रॉम सिटी एस और हिंदी फ्रॉम सिटी आर, मतलब 60 और 150 लेके चलते अपन। तो 60 मतलब 100 और 150, 120 का 60% 72 और 48% करोगे 15 अठे 120 और 15 चौक 60 प्लस 12 72, ये भी करेक्ट है। 48 प्लस का 24 करोगे 72, मतलब सेकेंड और थर्ड वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लर्न इंग्लिश फ्रॉम सिटी पी आर एंड एस टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लर्न हिंदी फ्रॉम क्यू आर एस। तो पी आर एस पहले देख लेते हैं बॉयज का, इंग्लिश पी आर और एस, तो एक 250 प्लस का 60 310, 310 में 25 ऐड करोगे तो 335। वॉट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लर्न हिंदी फ्रॉम सिटी क्यू आर एस, तो क्यू आर एस में हिंदी देख लो, क्यू आर एस, तो भैया 175 प्लस का 50 कितना है 225, इज व्हाट परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट है। तो 100% से तो ऑब्वियसली ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है देखो 110 ज्यादा है 225, तो 110 लॉजिकली 225 का कितना परसेंट होगा। इसका मैं अगर देखूं तो 22 का 5 टाइम्स होता है, इसका अगर देखोगे आप तो इसका कितना गुना, 5 गुना, मतलब ऑलमोस्ट आपका 2.25 है, 100 से कर दो सॉल्व कर लो पहले, 5 से 5 दूनी 10 22, 5 का 4 गुना 20 49, तो 50% से कम है, नन ऑफ दीज ही आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका अगर मैं 8 गुना करूँ तो 32, 6 गुना करूँ तो 6 नम 54, 6 चौक 24, 4 28, 2 कर सकते हो दोनों में 18, 2 चौक 8 एक 9, नहीं 20 से तो ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है और 150 से कम है। तो अगर 120 से ज़्यादा और 150 से कम तो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में जा रहा होगा इसका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहे। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इन एक्सिस बैंक पी पीपल्स अप्लाइड फॉर लोन्स इधर पर्सनल लोन और होम लोन। लोन डिसबर्समेंट पीरियड इज 1 week और 2 weeks। द गिवन बिलो फनल चार्ट शोज द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर लोन इन HDFC बैंक। एक काम कर लो, ये जो HDFC एक्सेस का प्रॉब्लम है ना वो अलग कर दो, या तो आप एक्सेस ही मान लो या फिर सबको सबको HDFC मान लो, कोई ऐसा ये नहीं है। ठीक है, फनल डीए के बारे में बात हो रही है तो ये डेटा बस समझ लो कि जो पूरा का पूरा डेटा किस चीज़ के बारे में डिनोटेड है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपका डीए भी और सारे के सारे नोट्स भी आपके मेंशनड है। ठीक है, ये फनल चार्ट भी आपको शो हो रहा होगा और आपके पास जितने सारे नोट्स थे वो सारे के सारे अवेलेबल है। अब पहले क्या करना, आप इसको वीडियो को पॉज कर लो या फिर आप देखो एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना आपको। ठीक है, फिर एक एक अगर ना समझ में आए तो वीडियो को कंटिन्यू करके देखो कि कहाँ पे आप शायद से लैग कर रहे थे। एक फनल चार्ट गिवन है और इसमें आपको पता है कि ये क्या जो पी की वैल्यू है, टोटल एप्लीकेशन कुछ आए होंगे, उसमें से कितने एलिजिबल थे लोन के लिए ये वैल्यू गिवन है। मेल गॉट डिसबर्समेंट ऑफ HL, एक बार फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डेटा शायद। द गिवन बिलो फनल चार्ट शोज द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है लोन डिसबर्समेंट पीरियड इज 1 week और 2 week, या तो 1 week के लिए दिया गया या 2 week का गिवन है। पहला क्या बोल रहे हैं, नोट ए नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर होम लोन इज 1000 मोर देन पीपल अप्लाइड फॉर पर्सनल लोन। मतलब जितने लोगों ने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया उससे 1000 ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था किस चीज़ के लिए, होम लोन के लिए। द नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर अ लोन बट द लोन इज नॉट अप्रूव्ड इज 1540 मोर देन नंबर ऑफ मेल्स हु डिड नॉट रिसीव HL डिसबर्समेंट इन द फर्स्ट वीक। अच्छा, 1540 ज्यादा थे कौन, जो एलिजिबल थे बट जिनको लोन नहीं मिला। ठीक है ना, जिनको जो एलिजिबल तो थे बट उनकी लोन अप्रूवमेंट नहीं हो पाई, वो कितने 1540 ज्यादा है, किससे, जो होम लोन डिसबर्समेंट हुई फर्स्ट वीक से उससे 1540 ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर ऑफ पीपल हुज होम लोन हैव अप्रूव्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द लोन। मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया, मतलब पी
फी का जो 20% निकलेगा वो आपका क्या निकल के आ रहा है, टोटल होम लोन अप्रूव्ड वाले, ये भी सही है. एंड 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द लोन आर नॉट एलिजिबल, मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उसका 1/6 एलिजिबल ही नहीं हो पाए, मतलब 5/6 एलिजिबल थे. आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल फॉर लोन 60% गेट द अप्रूवल, जितने लोग एलिजिबल थे उसमें से कितने को मिला, 60% को लोन अप्रूव हो गया. ठीक है, अब ये सारे नोट्स पढ़ने के बाद, और एक और डेट है, ऑल द परसेंटेज इन द चार्ट आर गिवन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द लोन. अब देखो इस चारों के चारों नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट आपके पास पॉइंट निकल के क्या आ रहा है? अगर आप ऑप्शन जो सिक्स सी नोट है ना उसका अगर सेकेंड पॉइंट पढ़ोगे, 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द लोन आर नॉट एलिजिबल, अगर 1/6 एलिजिबल नहीं है तो 5/6 एलिजिबल होगा क्या? और 5/6 के बराबर अगर 5,000 है तो एक यूनिट के बराबर 1,000, तो पी के बराबर आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6,000. ठीक है, टोटल 6,000 था है ना, और क्या बोला कि जितने लोग एलिजिबल थे उसमें से 60% पर्सन को लोन अप्रूव हो गया, मतलब जो 5,000 लोग एलिजिबल थे उसमें से अप्रूव कितने लोगों को हुआ, सिर्फ 3,000 लोगों तक वो चीज़ें क्या हुई, अप्रूव हुई. जो लोन थी वह सिर्फ 3,000 लोगों को अप्रूव हुई है. नेक्स्ट क्या बोल रहा था, द नंबर ऑफ पीपल हुज होम लोन हैव अप्रूव्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द लोन, मतलब क्या इसका 20% क्या कौन है इसमें जो आएगा, किसमें, होम लोन में. तो इसका अगर मैं 20% कैलकुलेट करूँ तो 1200, और 1200 किसकी वैल्यू चली जाएगी, होम लोन की. तो अगर होम लोन 1200 है तो पर्सनल लोन कितना चला जाएगा मेरे, 1800. यहाँ तक क्लियर है? और अगर पहला वाला नोट आप पढ़ रहे होगे तो इसमें आपको क्या मेंशनड है कि जो होम लोन है वो 1,000 ज़्यादा अप्लाई हुआ था किससे, पर्सनल लोन से. तो कहीं ना कहीं 6,000 में से पहले 1,000 माइनस कर देता हूँ, 5,000, 2500 डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जो ज़्यादा है उसमें 1,000 ऐड कर दो. तो मतलब होम लोन आपने कितना अप्लाई किया होगा, 3500 लोग होम लोन अप्लाई किए होंगे, पर्सनल में कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, 3500 में से 500 कम कर दो, 2500. ठीक है, पहला वाला को हमने यूज़ कर लिया, सी को यूज़ कर लिया, डी को यूज़ कर लिया. अब बचा हुआ पार्ट क्या मेरा रह गया, बी. अब यहीं से गेम बनेगा. कैसे, देखो यहाँ पे आपको पता है कि मेल जो डिसबर्समेंट हुई है जिनकी फर्स्ट वीक में एचएल में, वो 540 है. पीपल हुज एचएल अप्रूव्ड, अभी तक ऐसा कुछ डेटा तो मिला नहीं कि होम लोन, अच्छा होम लोन किसका 1200 आ गया ना, क्यू के बराबर भी आपको मिल गया 1200. तो आर परसेंट और मेरे को ये निकालना भी. ठीक है, अब ये देखो क्या बोल रहा है कि जितने लोगों का लोन अप्रूव, जो एलिजिबल थे बट उनका लोन अप्रूव नहीं हो पाया, तो एलिजिबल तो 5,000 थे, अप्रूव कितने का नहीं हो पाया, 3,000 को हो गया, तो मतलब 2,000 का नहीं हुआ. तो वैल्यू कितनी है, 2,000. ये बराबर किसके हैं, ये क्या बोल रहा है कि 1540 ज़्यादा है किससे, जो एचएल डिसबर्समेंट की फर्स्ट वीक में थी, मतलब 540, मतलब 1540 में से 500 पहले ही माइनस कर दो, तो ये वैल्यू कितनी मिलकर आ रही है, 1,000. और ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको बेसिकली यहाँ पे 1540 माइनस का 540 करने से बेहतर है कि सीधा सीधा वहाँ से निकाल दिया, और प्लस में ये कितना चला जाएगा आपका, कितने का, आर परसेंट जाएगा किसका, 6,000 का. तो प्लस आर परसेंट ऑफ टोटल कितना है, 6,000, तो 6,000 का कर दो, तो ये 1,000 इधर, तो आर परसेंट के बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखो 1,000/6,000, क्योंकि 2,000 में से 1,000 जाएगा, 1,000 और ये 6,000, मतलब 1/6. और 1/6 देखते ही आपके मन में क्या आता है, कितना परसेंटेज, 16/3% का गेम खत्म होता है. मतलब अब आपके पास R की वैल्यू भी आ गई जो कि है 16/2/3%, क्यू आपको पता है 1200 है आपका है, और मेल्स गॉट HL डिसबर्समेंट इन फर्स्ट वीक कितना है, 540 है. लेकिन अभी भी एक चीज़ जो हमारी क्लियरिटी नहीं आ रही है कि मेल और फीमेल का रेशियो भी गिवन था, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप सही से पढ़ोगे तो यहाँ पे गिवन था कि द गिवन बिलो फनल चार्ट शोज द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड मेल्स एंड फीमेल्स. तो ये जितने भी लोन्स अप्लाइड हुए हैं ना उसमें मेल्स भी हैं उसमें फीमेल्स भी हैं, लेकिन जो डिसबर्समेंट गिवन है फर्स्ट HL का वो आपका सिर्फ और सिर्फ किसका गिवन है, HL मेल का फर्स्ट वीक का. तो क्वेश्चन फीमेल पे भी आएगा बट वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करके आपको ऑप्शन रेशियो पता चलेगा. पहला क्वेश्चन देख लो, द नंबर ऑफ फीमेल्स हुज HL इज अप्रूव्ड इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हुज PL इज अप्रूव्ड, मतलब जितने फीमेल्स का PL अप्रूव हुआ होगा उसका 3 गुना कितना किसका होगा, HL का हुआ होगा मेल्स. एंड द नंबर ऑफ मेल्स हुज लोन डिसबर्समेंट इज डन इन फर्स्ट वीक इज 10 लेस देन
टोटल नंबर ऑफ मेल्स हुज एचएल इज अप्रूव्ड। अब देखो एक बात तो पता है ना कि 10 अगर कम है एचएल से तो कहीं ना कहीं अभी हमने पता किया था 1000 था, 540 माइनस करके 1540 में से 540 माइनस करके तो वो 1000 था, तो 1000 में से अगर 10 माइनस कर दूंगा तो 990 निकल के आ रहा है मेरा, जिसमें से फर्स्ट वीक में कितना चला गया एचएल अप्रूव्ड कितना था, जो टोटल था ये, लेकिन जिसमें से फर्स्ट वीक में कितना आपका डिसबर्समेंट हो चुका है 540 का, तो अगर मैं इसमें से 540 माइनस कर दूं तो मिल जाएगा कितना, 50 करूंगा तो 450, मतलब 450 मेरा क्या जा रहा है सेकेंड डिसबर्समेंट होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स हुज पीएल डिसबर्समेंट डन इन सेकेंड वीक। अरे ये 450 इधर से मिल गया है, टोटल डिसबर्समेंट कितने का था, 1200 का था यहाँ पे, तो 1200 में से अगर 450 आप माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 750, और ये 750 किसका हो जाएगा, पीएल में जो मेल का डिसबर्समेंट हुआ है वो आपका मिल गया, मतलब 750 इज द राइट आंसर। फिर से बात बताऊँ तो अगर आप इसके एक एक करके वैल्यू पॉइंट लिखते जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा 3-4 एक्स वाई जेड मानो ये मत करना, एग्जाम में आपका वो पूरा का पूरा ये नहीं चेक होगा कि आपने क्या प्रोसेस के थ्रू बनाया, बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी होंगी। जैसे यहाँ पे देखा आपने कि 10 कम करना था, 10 किससे कम करना था, जो टोटल डिसबर्समेंट था उसमें से कम करना था, तो 1000 में से 10 कम कर लिया, वहाँ से 900 मिल गया, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में साथ साथ कैलकुलेशन चलनी चाहिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल दोज आर एलिजिबल फॉर पीएल बट देयर पीएल इज नॉट अप्रूव इज 133.33% मोर देन दैट ऑफ पीपल दोज आर एलिजिबल फॉर एचएल बट देयर एचएल इज नॉट अप्रूव्ड। मतलब अगर एचएल में जितने लोग थे, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से कुछ एलिजिबल हुए बट उनका लोन अप्रूव नहीं हो पाया, तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि एचएल में कितने लोगों ने अप्रूव किया, 3x, क्योंकि मेरे को 1/3 करना है तो 3 का मल्टीपल ले लिया। तो पीएल में कितने ऐसे लोग हो जाएंगे जिनका लोन अप्रूव नहीं हो पाया, तो आप बोलोगे सर 3x था और इसका अगर 133% ज़्यादा करके लिखना है तो 3x का 133% 4 हो जाएगा। क्यों, देखो 33% का 1/3 होता है, और मैं अगर इसमें 133.33 ऐड करूँ तो मतलब 1 ऐड करूँगा तो 3 प्लस का 1 4/3 हो रहा है, मतलब 3 से 4 ज़्यादा, तो पीएल आपको कितना मिलेगा यहाँ से 7x। अब एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे देखो आप कितने लोगों को एचएल मिल गया, 1200 लोगों को मिला है ना एचएल, तो 1200 प्लस 3x ये ऐसा वैल्यू है जिसमें एचएल मिलने वालों को भी और एचएल ना मिलने वालों को भी, जिनका एलिजिबल था वो कैलकुलेट हो गया, प्लस पीएल वाले में कितना था 1800 और प्लस 7x, ये सारे वो नंबर्स हैं जो एलिजिबल थे लोन के लिए, जिसमें से ये तो जिनको लोन मिल गया, और ये 3x और 7x ऐसी वैल्यूज है जिनको लोन ना मिल पाया, और इसका पूरा पूरा सम कितना चला जाएगा आपका 5000। तो देखो 1200 प्लस का 1800 3000 है, और 3x प्लस का 7x 10x, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10x के बराबर 5000 में से अगर आप 3000 माइनस करोगे तो 2000, तो x के बराबर कितना मिल जाएगा आपको 200। तो अब अगर x के बराबर 200 है तो पूछ क्या रहा है, तो देखो कि देन फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल दोज अप्लाइड फॉर पीएल आर नॉट एलिजिबल फॉर। अच्छा जी देखो 1800 को मिल गया, 7x को मल्टीप्लाई करूंगा 20 से तो 1400, मतलब 1800 प्लस का 1400 3200 लोग ऐसे थे जो एलिजिबल थे, लेकिन अप्लाई कितने किया था, कितनों ने किया था पीएल के लिए, तो पीएल के लिए टोटल 3500 लोगों ने अप्लाई किया था, सॉरी ये उल्टा लिख रहा हूँ मैं, एचएल पीएल में उल्टा लिख दिया कोई नहीं, तो 3500 लोगों ने जब ये एचएल था ये पीएल बनेगा, ठीक है, तो जब 3500 लोगों ने अप्लाई किया था तो 3200 को मिला, मतलब 300 लोगों को नहीं मिल पाया, कितने में से टोटल की वैल्यू में से पूछ रहा है, मतलब 6000 से पूछ रहा है, तो 300 6000 का कितना परसेंट है, 6000 का 10% 600 होगा, तो 5% कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उम्मीद है क्लियर होगा अभी, है ना। नेक्स्ट देख लो, इफ नंबर ऑफ फीमेल्स दोज गॉट डिसबर्समेंट ऑफ पीएल इन फर्स्ट वीक इज ट्वाइस ऑफ दोज गॉट डिसबर्समेंट ऑफ पीएल इन सेकेंड वीक, मतलब फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, मतलब सेकेंड वीक में अगर एक्स होंगी तो ये डबल हो जाएंगी या डबल ज़्यादा हो रही है, ट्वाइस बोल रहा है, मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स दोज गॉट डिसबर्समेंट ऑफ एचएल इन सेकेंड वीक। एक बात बताओ, सारा का सारा वैल्यू तो मेरे से पूछ रहा है पीएल का, यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड, प्रीवियस क्वेश्चन से भी नहीं मिलेगा,
मतलब अगर सारा पीएल का ही डेटा है और एचएल में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे को फर्स्ट वीक में मेल का गिवन था बट फीमेल नहीं गिवन है, तो मतलब इस क्वेश्चन का आप डेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते, आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिंपल था ये। नेक्स्ट देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, पहले ही कैलकुलेट करके रख चुका है ना पूरा फनल डीए बनाते हुए कि 16 होल 2/3% आ रहा है और जिसको आप डेसिमल में 16.66% बी बोलते हो, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स दोज पीएल इज अप्रूव्ड, यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड, कितने लोगों का पीएल अप्रूव हो चुका है। अरे अभी निकाला था ना, कहां गया, 1800 थे ये था ना, देखो यहां पे x की वैल्यू 200 थी तो 1800 में से 3x का दोगुना करूंगा तो 600, तो 1800 में से अगर 600 माइनस कर दूंगा तो 1200 बचेगा, मतलब 1200 लोगों का पीएल अप्रूव हो चुका था, 600 लोगों का अप्रूव नहीं हो पाया था। क्या यहां तक क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बताओ।